इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो है, ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मेन पार्ट है। GOC1, GOC2 ये इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, सबसे पहला इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में हम पढ़ते हैं जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। जिसका नाम क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम आई इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। जो इंडक्टिव इफेक्ट किसने दिया था? सबसे पहला सवाल जो अक्सर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज गिवन बाय, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इनगोल्ड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। अब इसके बारे में आप ब्रीफ लिखिए, ये अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है जो रिटर्न एग्जाम्स होते हैं उसमें। इट इज एन परमानेंट इफेक्ट, ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है। इट इज द पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा का साइन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ठीक है, ये एक पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि कार्बन है और ऑक्सीजन। और हमको पता है, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड पढ़ चुके हैं हम 11th 12th क्लास में, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन से ज्यादा होती है। तो इसका लाइन का मतलब यही है कि पार्शियली वो डिस्प्लेसमेंट होता है ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता पाई इलेक्ट्रॉन्स का, जैसा कि इसमें आपको लिखा हुआ है। और आई इफेक्ट जो होता है, जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ये डिपेंड्स करता है ऑन डिस्टेंस पे। और ये बात जो है वो ज्यादा जरूरी, जैसा कि हमने यहाँ पे इस ब्रैकेट बॉक्स में आपको दिख रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट मतलब कि आई जो है इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, मतलब कि इनवर्स काम करता है। और इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है हाइड्रोजन का, जिसको जीरो माना जाता है, सिर्फ इतने पॉइंट आप एग्जाम में लिख दो तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट का एक ब्रीफ बन जाता है। अब हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर के बारे में। तो ये प्लस आई और माइनस आई दोनों प्रकार का होता है। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट के बारे में हम बात करते हैं, प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। ये ऑर्डर आपको एग्जिट इज जो है वो याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ऑर्डर याद रहेगा तो ये आप इसके जो क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हो बड़ी इजी वे में। हम क्वेश्चंस का भी वीडियो बनाएंगे, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की। ठीक है, सो ओवरऑल ऑर्डर में सबसे पहली बात करते हैं, ये होता है CH2-, और इसी क्रम में होना चाहिए, इसी ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, CH2-, NH-, O-, CW-, CH3C, CH3CH3, CH3C, CH3, CH3CH3 और CT3, CD3, CH3, TDH और H का जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है जीरो, जहां तक हमने बात करी। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको इसी क्रम में मतलब कि जैसा लिखा हुआ वैसा ही आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि तो ये उसका ऑर्डर है। ओके, अब आई इफेक्ट के बारे में कुछ बात करते हैं। तो जो मैंने बोला वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई इफेक्ट जो होता है हाइड्रोजन गैस टेकन है जीरो। हाँ सर जी, हमको समझ में आ गई। और कहता है कि ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन आई इफेक्ट आल्सो इंक्रीजेस। देखो जैसे कि ये CH3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, CH3 ओनली एक कार्बन है, ये है CH2 CH3, इसमें दो कार्बन है, इसमें है ये CH2 CH2 CH3, तीन कार्बन है। तो ये कह रहा है कि आई इफेक्ट जो होता है वो इंक्रीज होता है ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो आई इफेक्ट जो होता है वो बढ़ता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है प्लस आई इफेक्ट के बारे में, कि ऑन इंक्रीजिंग ब्रांचिंग प्लस आई इफेक्ट आल्सो इंक्रीजेस। जैसा कि देखा जाए तो इसमें यहाँ पे हमको दिख रहा है CH3 CH2 CH2, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसमें सिर्फ ऐसी एकदम स्ट्रेट चेन बनी हुई है। लेकिन ये इसके पास में जो है वो है CH3 CH, और CH3 से ब्रांचिंग में ये CH3 जो है ऐसे नीचे की तरफ लगा हुआ है। तो ऑन इंक्रीजिंग ब्रांचिंग, अगर हम ब्रांचिंग बढ़ाते जाते हैं तो प्लस आई इफेक्ट जो होता है इट्स आल्सो इंक्रीजेस, प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो भी बढ़ता जाता है। तो ये प्लस आई इफेक्ट के कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने होंगे, और ऑर्डर आपको जो ये है एज इट इज याद रखना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, एंड बात करते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Or2+, OH2+, Nr3+, NO2, साइनाइड, CHO को क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। COCH3, COOH जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, COOR एस्टर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, OH अल्कोहल, एल्काइन, अमाइन, ये बेंजीन रिंग, ये एल्कीन और ये हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का तो आपको पता ही, आई जो होता है वो जीरो होता है। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है कि आप इसको ट्रिक से याद करो,
इसको डेफिनेटली आपको एज इट इज ब्रेन में बैठाना पड़ेगा तो ही आपके लिए बेनिफिशियल वर्कआउट होगा। सो वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का सबसे पहला जो था जिसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको आई इफेक्ट कहा जाता है, जो इनगोल ने दिया था, एक ये परमानेंट इफेक्ट होता है, ये पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता पाई इलेक्ट्रॉन्स का, ये डिपेंड्स करता है ऑन डिस्टेंस पे। और इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है हाइड्रोजन का वो जीरो होता है। एंड अगेन आपको स्क्रीन पर दिखा दो, अगर इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन आप ले सकते हैं, या फिर मैं इसकी पीडीएफ आपको अगर चाहिए हो तो अवेलेबल करा सकता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। आई इफेक्ट की एप्लीकेशंस क्या हैं? सबसे पहली होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड रेडिकल, सेकंड होती है द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, थर्ड होती है एसिडिक स्ट्रेंथ, फोर्थ होती है बेसिक स्ट्रेंथ। तो इसका हम ऑर्डर देखते हैं जो हमको यहाँ टेबल में दिख रहा है। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है 1/ पॉजिटिव चार्ज के, मतलब कि जिसका पॉजिटिव चार्ज होगा तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना वो कम स्टेबल होगा कार्बोकेटायन। ओके, फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये कहना चाह रहा है। सेकंड है द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो होती है वो प्लस आई अपॉन माइनस आई के प्रोपोर्शनल होती है, मतलब कि ये प्लस आई होता है, मतलब कि प्लस आई इफेक्ट का जो हमने ऑर्डर देखा उसमें जो प्लस आई वाले जो होंगे उनकी जो होगी वो जाहिर ज़्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और माइनस आई वालों की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जिसका जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी इन द केस ऑफ कार्बोकेटाइन। ओके, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन के केस में देखा जाए तो माइनस आई अपॉन प्लस आई होता है, जैसा मैंने कार्बोकेटाइन के केस में बनाया उसका रिवर्स इसमें हो जाता है। एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो ये डायरेक्टली प्रूफ होती है सी बी के, स्टेबिलिटी ऑफ सी बी के। अब सी बी क्या है? सी बी को हम कहते हैं कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस क्या होता है? जैसे कि कोई एसिड है, एसिड में से हमने अगर एच प्लस निकाल दिया तो उसको हम बोल देते हैं सी ए बोल देते हैं। जैसे कि हमारे सामने है एच टू एस ओ फोर है, क्या है? H2SO4। अब H2SO4 में से हम निकाल देते हैं, एक H निकाल दिया हम अगर हमने इसमें से, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा HSO4 बन जाएगा। जी राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, HSO4 बन जाएगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन निकाल देते हो, HSO4 जो होगा वो उसका हो जाएगा कंजुगेट बेस हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो वो माइनस आई अपॉन प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है इसका केस सिमिलर अगर आपको याद करना हो तो ये कार्ब एनायन जैसा होता है ना, तो इसमें आपको सिमिलरिटीज दिख जाएगी। और अगर आप बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करो तो ये जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के। ठीक है, तो और ये ऑर्डर आपको याद रहेगा तो जब एग्जामिनर आपको पूछेगा कि ऑर्डर बताइए ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ का, या आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए कार्बोकेटायन या कार्ब एनायन की, तो आप इजी वे में बता सकते हैं। और एज अ कंपेरिजन अगर देखा जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के सिमिलर होता है, तो वो आपको याद करने में आसानी होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।